नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचर। आइए नजर डालते हैं अभी कुछ बड़ी खबरों पर। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर पर एसीबी का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर, सीकर और झुंझुनू में जांच कर रही है टीमें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदले 8 जिला अध्यक्ष। पूर्व विधायक और विधानसभा प्रत्याशी को बनाया जिला अध्यक्ष। जातिगत समीकरण का भी रखा ध्यान। पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तारी के बाद भी बोल रहे झूठ। 1.5 दिन तक एक दूसरे को पहचानने से मना करते रहे। आमने सामने बैठाया तो खुली पोल। राजस्थान में फिर बढ़ेगी सर्दी। बारिश होने के बाद की संभावना। 13 मार्च से राजस्थान में मौसम फिर बदलेगा। 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर गए पीएम। 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। 15 साल बाद एनडीए में शामिल हो सकती है बीजेडी। नवीन पटनायक की पार्टी के उपाध्यक्ष बोले अलायंस पर चर्चा जारी। भाजपा बोली आलाकमान फैसला करेगी। बैंगलोर ब्लास्ट के आरोपी पर 10 लाख का इनाम। एनआईए ने सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीर के साथ पोस्ट जारी किया। डोटासरा बोले मालवीय आदिवासी था, कांग्रेस ने बड़ा बनाया। अपनी मां की कोख से बड़ा होकर पैदा नहीं हुआ, कोई राजा बेटा नहीं था। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। जेल में सपा बंद विधायक इरफान के घर ईडी रेड। कानपुर, मुंबई के 8 ठिकानों पर सर्च। सीसीटीवी बंद की। कानपुर हिंसा के आरोपी के घर भी छापा। यूक्रेन जंग, मृत भारतीयों के परिजन ने डेथ सर्टिफिकेट मांगा। कहा नौकरी देने वाले एजेंट्स ने बोला था अफसान जिंदा है, उसने दिसंबर में हमसे बात की थी। चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तैयारी में रूस, चीन। रूसी स्पेस एजेंसी बोली उसके लिए तकनीक तैयार। न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट भी बनाएंगे। फिलिस्तीन समर्थक हूतियों के हमले में पहली बार मौत। अरब सागर में लाइबेरिया के जहाज पर मिसाइलें दागी, 3 क्रू मेंबर्स की जान गई। 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत। आरबीआई गवर्नर बोले बचे हुए लोगों को वॉलेट दूसरे बैंक से लिंक करने को कहा गया। अंबानी के बुलावे पर फिर से जामनगर पहुंचे शाहरुख सलमान। अंबानी ने वर्कर्स के लिए होस्ट की पार्टी। जानवी कपूर, रणवीर और अरिजीत सिंह भी शामिल हुए। जैकलिन फर्नांडिस की बिल्डिंग में लगी आग। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। नुकसान होने की खबर नहीं। इरफान खान ने मुझे को एक्टर की इज्जत करना सिखाया। रसिका दुग्गल बोली उन्होंने कभी मुझे जूनियर होने का एहसास नहीं दिखाया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।